वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज हम अनबॉक्स करेंगे टैग की तरफ से साउंड गेयर 150 पावरफुल म्यूजिक असिस्टेंट, जो कि एक इन ईयर हेडफोन्स है। ठीक है, तो मैं बॉक्स के बारे में दिखा देता हूँ क्या क्या दे रखा है। साइड में हमें लिखा हुआ है साउंड गेयर 150 पावरफुल म्यूजिक असिस्टेंट। पीछे की साइड हमें कुछ चीज़ें लिख रखी है जो कि है स्पेसिफिकेशन से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे हमें दे रखा है कि कहाँ से इंपोर्ट कर रखा है और फिर प्रोडक्ट नेम वगैरह दे रखा है। साइड में बता रखा है कि बिल्ड इन माइक है, कंफर्टेबल डिज़ाइन है, लॉन्ग वायर है जो कि सही में है और 3.5 mm जैक है। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते और इसको ओपन कर लेते हैं। तो एज यूजुअल नाइफ तो अपने पास होगा नहीं, तो आज स्कूटी की चाबी चलते हैं। तो इसको अपन फटाफट ना स्क्रैच करके खोल लेते हैं। तो ये हमने खोल लिया है, इसको ओपन करते हैं। बॉक्स की पैकिंग बड़ी सही दे रखी है इसमें यार। ओए होए, ये क्या है? तो हमें एक पहले तो एक सबसे पहले पाउच मिलता है जिसके अंदर ही ईयरफोन्स है मेरे ख्याल से। हाँ, इसके अंदर ही है। उसके बाद हमें मिलती है पेपर वर्क। पेपर वर्क में देख लेते हैं, पहले यूज़र मैनुअल दे रखी है हमें जिसके अंदर लिखा हुआ है चीज़ें कि कैसे क्या क्या काम करती है, क्या किसके लिए दे रखी है। पढ़ता वढ़ता मेरे ख्याल से कोई है नहीं इनको, अच्छा पढ़ लोगे तो कुछ बुराई नहीं है। उसके बाद हैप्पी लिखा हुआ है। अब हैप्पी के अंदर क्या है? अच्छा, अगर आप हैप्पी है तो इस चीज़ों को शेयर करिए, और अगर आप नॉट हैप्पी है तो इनको कॉल कर सकते हैं कस्टमर केयर में इनकी। ठीक है, अपनी कंप्लेन दे सकते हैं। और फिर उसमें लिखा हुआ है कि बिकम अ सुपर यूज़र। मैं बाहर निकालता हूँ इसे, ये देखो रजिस्टर के लिए लिखा हुआ है। अपने प्रोडक्ट को अगर आप रजिस्टर करेंगे तो आपको 8 मंथ्स की एक्सटेंड वारंटी मिल जाएगी। और सुपर यूज़र मतलब कि अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो आपको आप इनको रजिस्टर करके बता सकते हैं कि आपको इन्फ्लुएंसर बनना है। तो ये अपने काम को तो नहीं फिलहाल, तो हम सब चीज़ों को साइड में रख देते हैं। अब पाउच को ले आते हैं, इसको ओपन करते हैं। यार पाउच बहुत सॉफ्ट है, सही बता रहा हूँ मैं, बड़ा कम्फर्टेबल पाउच है ये। हम इसको बाहर निकालते हैं। अरे आ जाए यार। हाँ ये क्या है? तो हमें पहले तो सबसे पहले मिलती है ईयरफोन जो ऑब्वियसली हमें चाहिए, और उसके बाद ईयरबड्स मिलते हैं दो, एक है स्मॉल एक है मीडियम, नहीं एक है स्मॉल और एक है लार्ज क्योंकि मीडियम लगा हुआ है। और 3.5 mm में ये प्लास्टिक कैप होके आती है कि ताकि मतलब कि अगर मैन्युफैक्चरिंग के बाद इसमें कोई डिफेक्ट ना आ जाए हमारे हमारे पास आने तक। तो ये आप 3.5 mm जैक देख सकते हैं। टैग की ब्रांडिंग भी दे रखी है इसमें, और जो वायर है वो काफ़ी लंबी है, बाकी मैं आपको खोल के दिखा दूंगा। उसके बाद ये तो कुछ नहीं है। उसके बाद ईयरफोन्स पर आते हैं सीधा, तो आप भी देख सकते हैं ईयरफोन दे रखा है हमें। ये डिज़ाइन इसका अच्छा है, मेटल डिज़ाइन में दे रखा है और दिखने में तो काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे हैं। बाकी मैं इनको जब पहनूंगा तो उसके बाद आपको बताऊंगा कि सही में कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोनों ईयरफोन्स को। उसके बाद हमें जो मिलता है वो है इनबिल्ट माइक और एक बटन जो कि प्लेन पॉज के लिए या फिर कॉल रिसीव एंड कट के लिए। तो दोस्तों बस ये ईयरफोन्स के बारे में, बाकी तो मैं आपको वायरिंग ओपन करके दिखा देता हूँ। तो अरे यार ये बड़ी टाइट है। तो हमने वायरिंग ओपन कर ली है। तो अब मेरा यार कैमरा DSLR तो है नहीं, तो जस्टिफाई कैसे कराऊँ। बट हाँ काफ़ी लंबी मतलब ठीक ठाक वायर, एवरेज वायर है। मैं इतनी ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ही लंबी है, बट हाँ एक डिसेंट लंबी वायर है। तो मैं इसको थम्सअप देता हूँ एक। तो दोस्तों अब हम इसके साउंड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। आपको जो वोकल्स है ना वो बहुत ही क्लियर मिलने वाले हैं, आपको ट्रेबल क्लीन मिलेगा, कोई घर घर की आवाज़ नहीं आने वाली है। और जो बेस है वो एक डिसेंट बेस है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बेस आ जाएगा, पर दोस्तों ज़्यादा बेस सही भी नहीं है क्योंकि उससे क्या होगा आपको जो वोकल्स है आपको क्लियर सुनाई नहीं देंगे, आपको सिर्फ बेस ही आता रहेगा। और कभी कभार इन ईयर्स ईयरफोन में अगर बेस ज़्यादा होता है तो आपको जो ईयर्स है उसमें पेन भी होने लग जाता है। तो दोस्तों समअप करते मैं ये बोलूँगा कि ये जो ईयरफोन्स है ये इस प्राइस में बहुत सही है। इसकी जो ऑफिशियल प्राइस है बॉक्स पे जो लिखी है वो है 2000 रुपीज़, और अगर आप इनके टैग ऑफिशियल से लेते हैं तो आपको 800 रुपीज़ के पड़ते हैं। बट मैंने जो मंगवाया है मैंने मंगवाए 424 रुपीज़ के। वो कैसे? इनकी जो प्राइस थी वो थी 499 पेटीएम मॉल पे, उसके बाद मैंने उसमें 75 रुपीज़ का कैशबैक डाला है, उसके बाद मुझे ये इफेक्टिवली 424 रुपये के पड़े हैं और 75 रुपये मुझे कैशबैक मिल चुका है। तो दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ, जो डील थी वो मैंने देखी, इसलिए मैंने इनको फटाफट ले लिया है क्योंकि इस डील में इन इतने से पैसों में ये जो ईयरफोन्स मिल रहे हैं बहुत अच्छी है। इनकी जो वायरिंग है वो पतली लगेगी आपको, लेकिन स्ट्रांग वायरिंग है, ऐसा नहीं कि मतलब लूज हो जाएगी। और जो ये जो डिज़ाइन है ये मेटल डिज़ाइन है, यहाँ पे मेटल है प्लास्टिक नहीं है। और बाकी मैंने इनको यूज़ करके देखा है अभी, तो जो ये फिटिंग है इनकी फिटिंग भी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको कुछ इन ईयरफोन्स के बारे में जानने को मिला है, आपको ईयरफोन्स अच्छे लगे हैं या फिर आपको कोई क्यूरीज है तो नीचे कमेंट जरूर करिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल अनबॉक्स हेल्पर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।